हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका एक बेहतरीन से गेम प्ले वीडियो में। तो आज से हम खेलने जा रहे हैं इविल नन। पिछले वाले गेम प्ले में हमने देखा कि एस्क्री मेंशन को हमने किस तरीके से पार किया था, लेकिन आज जो हो रहा है ये बहुत हार्ड है। तो पहले हम हमारी एज ऐड करते हैं, तो हम हैं 10 ईयर के नहीं मजाक कर रहा हूँ, हम हैं 18 ईयर के। तो 18 ईयर, ओके आई एग्री। ओके अब कीप प्लेइंग विद एड्स, एड नहीं देखना है हमें, सीधा गेम प्ले स्टार्ट करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सीधा गेम में ले चलो हमें प्ले। ओके हार्ड लेवल नॉर्मल मोड, हमें नॉर्मल मोड में खेलेंगे क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है ये कितना हार्ड है। तो हमारा नाम बहुत डिटेल पूछ रहा है भाई, नाम वाम, चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है इंट्रो के साथ, और जो म्यूजिक बज रहा है तो ये तो बहुत हॉरर है, तो लगता है कि गेम प्ले भी बहुत हार्ड होने वाला है। और हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर चला रहा है और शायद हम पीछे बैठे हुए हैं। ओके गाड़ी ड्राइवर ने रोकी, डराना मत, देखो पहली बार खेल रहा हूँ। और हम गाड़ी से उतरे, और गाड़ी से उतरते ही, अरे भाई ये तो सामने ही खड़ी है, आते आते ही, भाई ले चल मेरे को वापस ले चल, अरे भाई आते आते ही टकला फोड़ दिया मेरा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो चलो भाई जल्दी स्टार्ट कर यार, इतना टाइम थोड़ी लगाता है। और हम कोई अभी छोटे बच्चे हैं जो बार बार एक ही बोल्ट पे तीन लाइन लिख रहे, मतलब हमारा कैरेक्टर बहुत छोटा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, नहीं है कि गेम प्ले नहीं खेल सके। हाँ फिलहाल हम बाहर चलते हैं, और वो है तो नहीं भाई, इतना जल्दी मत आ जाना। और इसमें एक और है कि हम थोड़ा बहुत भी साउंड करेंगे ना तो वो आ जाएगा। स्क्रीम मेंशन में डॉक्टर करो के साथ ऐसा नहीं होता था, हम इजीली भाग जाते थे, लेकिन मैंने सुना है कि ये नन बहुत तेज़ भागती है और ये हम इजीली पकड़ लेती। फिलहाल मैं इस रूम में जाता हूँ देख, लेकिन नहीं जलना चाहिए मेरे को क्योंकि इनमें कुछ नहीं है अभी। कहाँ जाऊँ मैं, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आगे 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 भाग भाग मिल्खा भाग। चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ पहले थोड़ी देर के लिए। ऑल राइट, तो वहाँ से एविलन नन ने भाग गई थी और मैं वहाँ थोड़ी देर छुपा रहा, फिर ऊपर आ गया, लेकिन नीचे मेरे को स्क्रू क्रोबार मिला था, लेकिन वो क्रोबार को मैं वही फेंक दिया क्योंकि अभी वो नहीं चाहिए। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से मेरे को केबल लेनी, लेकिन वो मेरे को लगता है पीछे से आ रही है। आ रही है क्या? मैं यहाँ से दरवाज़ा खोल देता हूँ एक, ताकि आए तो भी भाग जाओ। आ गई आ गई आ गई, भाग निकलना पड़ेगा यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ से घूम के उधर से आ जाता हूँ, तब तक ये पीछे से आएगी और मैं इधर से चला जाऊँगा। नहीं आ रही है ना यार, जाने दे मेरे को, खेलने दे यार तू, अभी क्यों आ रही है बार बार। चलो मैं यहाँ छुप जाता हूँ, तब तक चली जाएगी साइड तक। ऑल राइट, वो नीचे नन नीचे जा चुकी है और मैंने गेट बंद कर दिया ताकि आए तो मेरे को पता चल जाए, गेट खुल जाए। फिलहाल मैं इन ड्रॉअर में देख लेता हूँ कुछ है तो, वो यहाँ एक केबल पड़ी हुई है, लेकिन आ रही है क्या वो? नहीं आ रही है। तो यहाँ एक केबल पड़ी हुई है, तो ये केबल शायद मेरे को बाहर गेट वाले के पास लगानी पड़ेगी वायरिंग में, तो ये लेके चलता हूँ और सीधा पहले यही लगा देता हूँ। चलो यहीं लगेगी ना, हाँ यहाँ लगा दी मैंने। और लेकिन फिलहाल वो आ रही है, मेरे को पता चल गया हेडफोन में, लेकिन वो नहीं आ रही पक्का आ रही है, वो देखना पड़ेगा। वो आ गई यार क्या है, इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पीछे पड़ी रहती है हमेशा। फिलहाल मैं अभी ऊपर कोई काम नहीं है तो मैं नीचे चलता हूँ सीधा, और फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि, अरे क्या हुआ अटक, अबे मेरा शर्ट फंस गया उसमें शायद मैंने कपड़े पहन रखे और मेरा कपड़ा फंस गया उसमें। क्रोबार उठा लेता हूँ मैं यहाँ से और सीधा चलता हूँ उधर, लेकिन फिलहाल यहाँ से तो बंद है ये, तो ये खोलना पड़ेगा शायद, मेरे को शर्ट खोलना है। तो ये आवाज़ हुई, पक्का आएगी वो आवाज़ होते ही। तो अरे आ गई भाई, इसका बहुत डर लगता है ये जब अचानक आ जाती है ना, कभी कभार तो पता भी नहीं चलता है किधर से आ रही है। फिलहाल वो मेरे पीछे ही पड़ी है, मैं इधर से निकल, वो सामने ही है। अरे यार सामने, अभी इधर से चलना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपने रूम से निकलना पड़ेगा, तो इसको खोलता हूँ पहले और इधर से निकलते हैं। देखो पहले मैंने एक दो बार ऑफलाइन में खेला है, ऑनलाइन नहीं खेला तो इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन पहले मैं इजी मोड में खेला था, लेकिन हार्ड मोड में बहुत भाई डर लगता है इसका। पीछे नॉर्मल मोड में हूँ मैं अभी, और फिलहाल मैं इसमें चलता हूँ और यहाँ चल के देखते हैं पहले क्या है, कि ये सीक्रेट खुला है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सिक्के पड़े हुए, उठा लेते हैं, अमीर होने के लिए चाहिए। और यहाँ पे एक कार्ड पड़ा हुआ है,
वो टैक्सी कार्ड है वो अभी हमें नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे नन का ध्यान रखना होगा और ये क्रोबार कहाँ काम आएगा ये भी देखना है। तो मैंने जैसे ही उसको शटर को खोला, ये वाले भी खुल गए यहाँ से, तो मैं चल के देखता हूँ इधर है क्या। तो फिलहाल मैंने ये हटा लिया है और यहाँ से चलता हूँ। फिलहाल मैं शायद किसी गार्डन में आ गया हूँ, ये कोई गार्डन लग रहा है मेरे को। यहाँ पे कोई टेबलें भी पड़ी हुई है, रेत वेत है। इतना छोटा थोड़ी हूँ ऊपर से कूद के डायरेक्ट चला जाऊँ, लेकिन फिर गेम नहीं बनेगा ना वो भी है। फिलहाल मैं इधर से निकलता हूँ और उधर देखता हूँ कि वो आ किधर है। पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा ये क्रोबार लगेगा कहाँ पे आखिर। अरे वो आ गई, सामने से आ गई। यार इसका बहुत बुरा हाल है, क्या करें यार इसका, ये जाने भी नहीं दे रही है कहीं पर, मेरे पीछे पड़ी है। तो मैं इधर से निकल के उस साइड से निकल जाता हूँ, जब तक वो उधर से आएगी मैं उधर से निकल जाऊँगा। फिलहाल वो मेरे पीछे ही पीछे आ रही है और मैंने पता नहीं ये फिलहाल फिलहाल कितनी बार बोल दिया है तो इग्नोर करना इस बात को, क्योंकि अभी मेरे को डर लग रहा है वो मेरे पीछे पड़ी है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो मैं जब भी फिलहाल बोलूँ तो इतना गौर मत करना, 10-15 बार बोल तो बोल चुका हूँ। ये सभी गेट बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये गेट खोल देता हूँ ताकि जब भी वो इधर से आए तो मैं इसको घुमा के उधर वापस चला जा सकूँ। वो नहीं आ रही है तो मैं अभी चलता हूँ और वो रूम में देख लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको जाके मैं वापस फिलहाल बोला कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और ये खोलता हूँ मैं क्रोबार से इस गेट को। इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है और यहाँ पे 2-3 टॉयलेट भी टूटे, इसको खोल देता हूँ और दूसरे वाला किधर है और इसको भी खोल देता हूँ। और अभी आवाज़ साउंड हुआ है तो ज़रूर आएगी। ये क्रोबार मैं यहीं फेंक देता हूँ और इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ अंदर चलते हैं पहले, क्योंकि वो जब तक आएगी मैं अंदर चला जाऊँगा। ऐसा ना हो मैं पीछे से आ जाए, क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है फिर। और राइट, वो उधर है और ये तो लॉक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है और यहाँ पे एक है, तो शायद इसके अंडर टनल के अंदर जाना मेरे को। फिलहाल मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार, अरे जाने क्यों नहीं पा, अटक गया यार। अरे वो आ जाएगी तब तक तो, अरे ओ अपनी गलती से मरा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बंदा अंदर जा ही नहीं रहा था। फिलहाल उस बात को छोड़ो तुम, और मैं अभी डेट 2 में आ चुका हूँ और बिना गलती के मर गया यार। फिलहाल मेरे को वहाँ चलना चाहिए, और ये वापस बंद हो गए क्या। वापस चलता हूँ मैं वहाँ पे, और वो की उठानी है मेरे को, एक की ढूँढनी है पेंट वाली की, तो पहले मैं वो की ढूँढ लेता हूँ। यहाँ पे एक पेंट की है, वो ढूँढनी पड़ेगी मेरे को। टॉयलेट में देख लेता हूँ, मैंने सब जगह देख लिया है, कट कर दिया मैंने बीच में से, लेकिन फिलहाल ये टॉयलेट के अंदर तो नहीं है ना आवाज पे। अरे अरे ये रही येलो की, येलो की, इसका नाम येलो की है। तो ये अभी देख बताता हूँ मैं आपको कहाँ यूज़ होने वाली। फिलहाल वो नन तो नहीं है इधर आसपास मेरे, वो चेक कर लेता हूँ पहले। हाँ वो नहीं है, और वो रही सामने, सामने गई, उसने देखा नहीं मेरे को, बच गया। मैं इधर से निकलता हूँ, उधर चलता है, इधर से निकल के चलते हैं जब तक घूम के आऊँगा। वो नहीं मिलेगी मेरे को फिर, वो है तो नहीं ना, नहीं है। चलो चलते हैं, ये येलो की वहाँ पेंट के इधर यूज़ होगी, जैसे ही वहाँ पे यूज़ होगी हम देखो वो पेंट गिरा दे। अभी आगे बताता हूँ मैं क्या होता है, पीछे चलता हूँ। और पिछली बार मैं इसी के अंदर फंस गया था, और अभी देखता हूँ वहाँ जाके क्या कि क्या कारण था कि मैं वहाँ नहीं जा पाया। हाँ यहाँ खड़ा था मैं, और यहाँ से अभी देखो आसानी से आ गया, लेकिन पिछली बार पता नहीं क्या हो गया था, मेरा कैरेक्टर अंदर जा ही नहीं रहा था। की लेके आ गया हूँ, और यहाँ से ऊपर ऊपर जाना है। हाँ इधर ऊपर आ गया, और ये येलो की वो नन है भाई, वो गेट भी ओपन है वो गेट। अरे यार ये गैस सिलेंडर पड़ा था, मेरे को लगा नन बैठी है यहाँ पे, इस बात को छोड़ो। और यहाँ पे येलो की लगेगी, तो इस येलो की से मेरे को मिलेगा पेंट, और इस पेंट का अभी कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, यहीं फेंक देते हैं। साउंड हुआ है तो नन ज़रूर आएगी। फिलहाल मैं वापस अंदर चलता हूँ, और अभी मेरे को टैक्सी बुलानी पड़ेगी। तो टैक्सी बुलाने के लिए वो कार्ड जो मैंने उस रूम के अंदर, सीक्रेट वाले रूम के अंदर देखा था, वो कार्ड से मेरे को टैक्सी बुलानी पड़ेगी उसके रूम में जहाँ टेलीफोन लगा हुआ है। तो हम चलते हैं उसके रूम में, और वहाँ से जाके टैक्सी वक को बुलाते हैं। ये गेट अब तो ओपन हो गया, नहीं होगा सर, चलो इससे चलते हैं, और वहाँ से सीधा निकलते हैं उधर टैक्सी ड्राइवर को बुलाने के लिए। तो वो भी नन्ही आने वाली है, लेकिन पता नहीं वो नन कैसी इस जैसी नहीं निकल जाए। के रूम में चल, वो उस रूम में चलता हूँ शटर वाले में,
तो इधर का था, इधर से नहीं था, इधर भी नहीं था। तो अभी सामने मेरे शटर रूम है, तो मैं उस शटर रूम में चलता हूँ। फिलहाल वो नन नहीं आ जाए, नन शायद ऊपर है, ऊपर से मेरे को साउंड आ रहे हैं, तो ऊपर है रूम में, ऊपर वाले रूमों में चेक कर रहे हैं मेरे को। लेकिन ये कौन सा रूम था? हाँ यही था। इसके अंदर जाके वो लोरिंग वाले कार्ड लेके आते हैं, और इसी कार्ड से वो वैन आएगी कपड़ों वाली, और वो कपड़ों को बुलाने के लिए मेरे को पहले टेलीफोन चाहिए। तो मैं वो टेलीफोन वाला रूम किधर है वहाँ से कॉल करना पड़ेगा मेरे को। तो ये रहा, हाँ यही है, से उसको कॉल करता हूँ पहले। अभी कॉल हो गया, ये ड्रॉप कर देता हूँ मैं। जैसे ही अब कॉल हुआ है वो नन जरूर नीचे आएगी, तो मैं सीधा पहले उधर वापस। और राइट, अभी वो आ चुकी है वैन, और शायद ये नन मेरे को कुछ नहीं कहेगी। ये सो गई है, ये पूरे दिन नींद में रहती है, पता नहीं आते आते सो गई। पहले मैं ये कपड़े गंदे कर देता हूँ, अभी ये जैसे ही कपड़े गंदे हो गए ये खाली करेगी इनको। तो ये नन मेरे को कुछ नहीं कह रही है, शायद ये मैंने इसके कपड़े गंदे कर दिए और इसने कुछ कहा ही नहीं, जाके आराम से सो गई। जी ये अच्छी नन है, उसकी तरह नहीं है। इसने कपड़े खाली कर दिए तो मैं इसमें शायद छुप सकता हूँ। अभी मैं छुप तो गया है, अब ये मेरे को पकड़ ना ले, बस इतना ही डर है मेरे को। तो वो आ रही है, शायद मैं स्किप हो गया अभी, गाइज मैं स्किप हो गया। ऑल राइट, द एंड हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना मेरे को, अगला पार्ट जरूर लाएंगे जल्द।